नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लाए गए बिल के विरोध में झांसी के मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस बिल में मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा गया। गोविंद चौराहे पर स्थित मकरजी मस्जिद पर जुमे की नमाज के दौरान महानगर के सैकड़ों मुस्लिम एकत्रित हुए और इस बिल का विरोध करते हुए जुलूस निकाला, जिसमें नारेबाजी करते हुए सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में मोदी सरकार होश में आओ और CBI बिल वापस लो से लिखी हुई तख्तियां लिए हुए थे। कलेक्ट्रेट में पहुँच कर उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम नेताओं ने केंद्र की सरकार को मुस्लिम विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर मुस्लिम विरोधी फैसले ले रही है। देखिए, इस देश की सरकार के द्वारा जिस तरह से तानाशाही के फैसले लिए जा रहे हैं, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहते थे, लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी के देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बनी है सरकार, इस सरकार में निरंतर भेदभाव वाली बातें सामने आ रही हैं। जाति धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। NRC को लेकर के जो देश के अंदर जो बिल लाया गया है, आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा दुनिया में भी इस बात का आक्रोश है। जिस तरह से भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के जो तानाशाही वाले फैसले हैं, इसके खिलाफ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में लोग आक्रोशित हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं, जो NRC का मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक एकता और अखंडता को खंडित करने का काम किया जा रहा है। जो फासिस्टवादी ताकतें सत्ता के अंदर बैठी हुई हैं और देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, CAB बिल को इन्होंने जो है पास कराने का काम किया, गुमराह कर रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, अपने भाषण से गुमराह पब्लिक को कर रहे हैं। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।